जनपद चमोली में आगामी 27 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी कमर कस ली है। बता दें कि इस वर्ष 106 परीक्षा केंद्रों की बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 9,177 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गौरेला ने बताया कि 106 परीक्षा केंद्रों में 9,177 छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें से हाई स्कूल में 5,057 और इंटरमीडिएट में 4,120 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं जनपद के 17 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। वहीं परीक्षा को नकल विहीन करवाने के लिए विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए उड़न दस्तों की टीम का गठन भी किया गया है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षा केंद्रों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। इस समय हमारे पास कुल 106 केंद्र हैं, जिसमें से ये 100 केंद्र मिश्रित हैं और 6 केंद्र ऐसे हैं जो केवल हाई स्कूल हैं। हमारे जो पूरे बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें 5,057 बच्चे तो हाई स्कूल में हैं और 4,120 बच्चे इंटरमीडिएट में हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है, हमने बोर्ड में इसकी बैठक भी होने वाली है। हमने प्रशासन से केंद्रों में जो सुरक्षा व्यवस्था और की बात करिए, कस्टोडियन की नियुक्ति हमने कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि परीक्षा केंद्र में विद्यालय एक से अपना ही विद्यालय केंद्र नहीं होता है, बहुत विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। तो अब जो केंद्र होता है उसमें पूरे अध्यापक बदलते हैं और अध्यापक बदलते हैं तो इसलिए हमको तैयारी करनी होती है। तो हमने कस्टोडियन की नियुक्ति कर दी है और जो केंद्र व्यवस्थापक हैं वो हो गए हैं, तो पूरी तैयारियाँ हैं अपने स्तर से परीक्षा की।